माची माची नॉर्मल हो चुके हैं अधिल तो सांग अधिल तो सांग चेंज इसे नाज़रीन फातिमा दरे यार वैक्सीन दांस है तो क्या ना यार का जंग रिएक्शन रिएक्शन तो शी जंग चेन ना कभी जर मुता हाँ चाहे ना वैक्सीन दांचिन जरे यंता चीज़ तो पता सोंग और पेरेंट्स ये का तू के यंता सपोर्ट लोस चना यहाँ अच्छी समय यहाँ तैयार होते पिना मेंटली यहाँ तैयार पिना वैक्सीन ताऊ फिया और क्या जरूरी है ताऊ वैक्सीन ताऊ चाओ वैक्सीन ताऊ हम पूरा सब जरूरी है यार क्योंकि सब ताऊ लेकिन हम पहला तैयार नहीं थे वैक्सीन ताऊ के लिए लेकिन मामू मरीज थे और हमें मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रहना चाहिए और हमें गवर्नमेंट ये भी बोल रहे हैं कि सैनिटाइज करके बैठो मास्क लगा के बैठो ये सब चीज़ें हमें करना चाहिए। आज से हमने मुंशी अब्दुल्ला स्कूल में 12 टू 14 ईयर के बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है और ये रोस्टर जो है हमेशा हर स्कूलों में हो जाएगा। तो मैं हर स्कूल के प्रिंसिपल हो स्टाफ हो और हर बच्चों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर रखें और उसके बाद जो है वैक्सीन जो है ये कंटिन्यू रहेगा। और आज हमने मुंशी अब्दुल्ला स्कूल में रखा है, कल के बाद जो है आगे स्कूलों में भी हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वैक्सीनेशन प्रोसेस में जुड़े हुए कितना टाइम हो गया और कैसा रिस्पॉन्स रहता है लोगों का? मतलब जब से कोवैक्सीन जो है कोवैक्सीन जो है हमने अच्छे खासा रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला है और कंटिन्यू भी जो है चल रहा है अच्छा खासा। और ये जो छोटे बच्चों का जो है कोवैक्सीन देते हैं वो अभी फिलहाल स्टार्ट किया है हुए एक दिन हो गए, ये हो गए मुंशी अब्दुल्ला स्कूल में और मुंशी अब्दुल्ला अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है बच्चों का भी और जो है स्कूल में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और हम ही उम्मीद करते हैं हर स्कूल में कि अपने बच्चों का आधार कार्ड और अपने बच्चों का जो है वो मोबाइल नंबर रखे और हमारे साथ जो है हमेशा के लिए जो है ये वैक्सीन कंटिन्यू करने के लिए साथ दे जाए।